भाई हमने हमारे चैनल पे महंगे महंगे कंसोल रिव्यू कर रखे, जैसे PS5, PSVR 2, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, लेकिन जो मजा 80s, 90s और 20s वाले गेम्स में है वो इन सब में कहां? इन सब का भी एक अलग मजा है, लेकिन जो इनका मजा है ना उसको कुछ बीट नहीं कर सकता। और आज जो मेरे पास है ना भाई, ये है गेमिंग का पिटारा। इसके अंदर 50,000 गेम्स है। याद है थोड़े दिन पहले हमने एक 90s वाले कंसोल रिव्यू करा था, 2,000 रुपए का था, इसके अंदर मारियो, कॉन्ट्रा, वो सब निंटेंडो वाले गेम थे। लेकिन इसके अंदर निंटेंडो, सेगा, PS1, PSP, 8-bit, 16-bit, Game Boy, पता नहीं भाई क्या क्या है इसके अंदर। तो आज इस वीडियो में नॉस्टैल्जिया का तगड़ा हिट आपको देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जो कंसोल है मेरे को Amazon से 5,000-6,000 का मिला था, ये मेरे को ना उसी वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता लगा था। यहाँ पे वैसा हमारे को मिल जाता है कुछ ऐसा बॉक्स, और ये एंड्रॉइड बेस्ड है, डुअल सिस्टम है, जिसके अंदर 50,000 गेम्स है। और यहाँ पे लिख रखा आप टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट की स्पेलिंग देख रखी है कमेक्ट, फुल चाइनीज बातचीत। और भाई डब्बा खोलने के बाद एक तो हमारे को यहाँ पे गेम बॉक्स मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके की डिवाइस है, यहाँ पे इसमें USB पोर्ट वगैरह दे रखे हैं, पीछे HDMI LAN पोर्ट है, पूरा का पूरा एक सेटअप बॉक्स टाइप का ही है। एक यहाँ पे इसकी डोंगल मिल जाती है, और यहाँ पे मिल जाते हैं दो कंट्रोलर जो PS1 PS2 वाली वाइब देते हैं, और क्वालिटी ठीक है, ज्यादा इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, प्लास्टिक वाली बिल्ड है और हल्की हल्की सी बिल्ड है। और एक मिल जाती है यहाँ पे HDMI केबल, और एक मिल जाता है इसके टीवी सिस्टम का रिमोट, और एक मिलता है यहाँ पे यूजर मैनुअल, और इसके अंदर पावर अडाप्टर नहीं है। एक्चुअली जिस दिन हमने इसको टेस्ट किया था ना, हमने नया आया था तो अडाप्टर हमारा खो गया, तो इसके साथ हमने ना जियो वाला अडाप्टर यूज करके देखा था, उससे भी हमारा वर्क कर गया था। और यहाँ पे लास्ट वाले कंसोल की तरह इसके अंदर भी मेमोरी कार्ड लगा के दिया, जिसके अंदर सारे गेम स्टोर्ड है। तो जितनी भी रोम फाइलें होती है ना, वो सब इसी मेमोरी कार्ड के अंदर होती है, और अंदर इमुलेटर्स होते हैं जो उसको चलाने में हेल्प करते हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने जी ड्राइव का लिंक दिया था, इसके अंदर मैंने सारी रोम फाइल डाल दी थी। इसके अंदर भी जितनी रोम फाइल होंगी उसका जी ड्राइव का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपना इमुलेटर डाल के किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। तो अब करते हैं इसको फटाफट टीवी पे सेटअप, और देखते हैं क्या कुछ हमारा को इसके अंदर मिलता है। भाई इसको भी हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे एंड्रॉइड करके लिखा है स्क्रीन पे, वायवा द क्लासिक नेवर एंड, ये वही कंपनी होगी जो चाइना से बना के भेज रही होगी ना इंडिया में। भाई साहब स्ट्रीट फाइटर, भाई यहाँ पे पूरी गेम की एनिमेशन चालू होगी इसके अंदर। और भाई सेटअप करना ज्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है, एक पावर अडाप्टर लगेगा इसके अंदर, एक HDMI की तार लगेगी आपके टीवी की, और एक इसकी डोंगल लग जाएगी, इसके डब्बे से निकली थी, जिससे आप ये कंट्रोलर्स वगैरह यूज कर सकते हो। और भाई यहाँ पे हमारी कंसोल सेटअप हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च आ रहा है, और उसके अलावा ऑल गेम्स आ रही है, अपने फेवरेट गेम्स भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट इम्यूलेटर्स पे आप गेम खेल रहे हो, उसको आप फेवरेट्स में ऐड कर लो अपनी मर्जी से, जब भी खेल लो। PSP के यहाँ पे गेम आपको मिल जाएंगे, और भाई साहब बेन 10 किसका फेवरेट नहीं है, सेगा के गेम चल जाएंगे, Nintendo 64, PS1, आर्केड क्लासिक, सुपर निंटेंडो, गेम बॉय एडवांस, मेगा ड्राइव, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो एक्चुअल हमारा NES है, जो मारियो कॉन्ट्रा वाला नहीं होता, ये तो सबने ही खेला होगा। और भाई यहाँ पे पता बेस्ट पार्ट क्या लगा मेरे को, भाई गेम की फोटोज भी आ रही है आपको, ये नहीं कि गेम चला चला के चेक करनी पड़ेगी कौन सी गेम है, सीधा गेम की फोटो देखो और जो पसंद आ रही है वो खेल लो। और ये जो फोटो वाला सीन है, ये सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए जिनको गेम तो याद है पर उसका नाम याद नहीं है, तो फोटो देख के यहाँ से पहचान सकते हो, हाँ भाई ये वाली गेम खेली थी बचपन में। उसके अलावा गेम बॉय कलर मिल जाएगा, नियो जियो पॉकेट मिल जाता है, सेगा गेम गियर एंड सेगा 32X भी है, सेगा मास्टर सिस्टम है, MSX2 है, एक ये लिंक्स मिल जाएगा, अटारी मिल जाएगा। भाई साहब कितने हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PSP से। बता भाई भली तेरी PSP में फेवरेट गेम कौन सी है, PSP था ना तेरे पास, कौन सी? Ben 10। तो भाई डब्बे पे इन्होंने 4K अल्ट्रा HD वाला सिस्टम मेंशन करा था, बट ऑब्वियसली आप पिक्सल्स वगैरह देख के स्क्रीन देख के पहचान सकते हो कि ये किसी भी एंगल से 4K तो भाई लगी नहीं रही, ये वही है 720 या 1080p पे चल रहा है, उसको अपस्केल कर रखा है। यहाँ पे आप साइड में देख भी सकते हो हमारे टीवी के ऊपर आउटपुट दिखा रहा है ऊपर 1080p 60। और भाई यहाँ पे हमारी Ben 10 चल गई है, जिसने भी PSP वाली Ben 10 खेली होगी उसको याद आ गया होगा, और ये शायद मेरे हिसाब से PS1 और PS2 पे भी थी शायद। हट जाओ ओ उछाल दिया भाई साहब। और इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट पता है, इसके अंदर हम सेव स्टेट भी कर सकते हैं, इसके मेमोरी कार्ड में अपनी मेमोरी है, ये यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा इसकी मेमोरी के अंदर। तो अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गया, बाद में कभी सुबह खेलने के बाद शाम को 2 दिन बाद खेल रहे हो, तो वहीं से आप लोड भी कर सकते हो, आपका गेम बिल्कुल वहीं से चलेगा। ये जो सेगा नाओमी वाला कंसोल है, ये इतना फेमस था नहीं, निंटेंडो 64 में कुछ ट्राई करते हैं, और सुपर मारियो 64 ये तो तुमने खेला होगा जरूर। मैं यहाँ पे गेम चल तो गई है, और गेम के अंदर ना एक चौपी चौपी सी साउंड आ रही है, और ना गेम थोड़ी सी लैगी सी है, तो यहाँ पे निंटेंडो 64 में वो वाइब नहीं है जो एक मतलब बढ़िया स्मूथ वाली होती है ना, तो ये नहीं खेल सकते इस पे। और यहाँ पे सिर्फ एक गेम ही नहीं, मैंने इसके अंदर एक और गेम भी ट्राई करके देखी, टार्जन खेल के देखा था, उसके अंदर भी मेरे को सेम ही दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हमारा लेजेंडरी PS1। प्रथम तूने PS1 पे कौन सी गेम खेली है? पेप्सी मैन खेली है। आओ भाई साहब पेप्सी मैन ही चला देंगे, वहां तो बंटा पी के खेलते थे। बंटा पहले पेप्सी थोड़ी होती थी, बंटा पी के पेप्सी मैन खेल लेते थे, अमीर हो गए। भाई कितने सारे गेम है यार इसके अंदर, मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भाई साहब ये उस टाइम पे कितना साफ दिखाई देता था, मैं लगता था भाई क्या ग्राफिक्स है, अभी दिखाई दे रहा है एकदम पिक्सेलेटेड। यही है पेप्सी को चलाने वाला यही गेम था, लोगों को पता नहीं था पेप्सी क्या है। ओह भाई साहब इसका ये बहुत सही चल रहा है भाई, PS1 वाला बहुत सही चल रहा है। ये है हमारे जमाने का टेम्पल रन वगैरह में कुछ नहीं रखा भाई साहब, असली तो यही है पेप्सी मैन।
और यहाँ पे जैसे कि दो रिमोट है तो डबल प्लेयर गेम्स आप इसके ऊपर खेल सकते हो, वायरलेसली चलते हैं दोनों। और इसके अंदर ट्रिपल ए बैटरीज डालनी पड़ती है और ड्यूरासेल की डालो, लंबी चलाई देंगे। ओहो गेम ही गेम, ठीक है समझ गया। सेगा मेगा ड्राइव जो है ना, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, कॉन्ट्रा, हार्ड कॉप्स, WWF वगैरह, ये स्टार्टिंग का 16 बिट का कंसोल आया था और भाई क्या जबरदस्त था ना, मतलब हम दुकानों पे जाके खेलते थे। ओ भाई खेला वाली तूने, ये पहला ऐसा कॉन्ट्रा था जो सबसे ज्यादा फास्ट पेस था। भाई क्या क्या पावर्स आती थी इस गेम में भाई, जबरदस्त। बचपन में पहुंच गया हूं। अरे वीडियो वीडियो कल बनाएगा, भी गेम खेलने दे। Round one, fight. अभी जो निंटेंडो के NES वाले गेम्स है ना, उसमें नोटिस कर रहा था, जैसे ए और बी हमारे नॉर्मल बटन्स होते हैं, लेकिन ऊपर के दो बटन नहीं होते टर्बो वाले, जैसे एक्स दबाएंगे तो गोलियां लगातार चल रही है, वाई दबाएंगे तो जंप लगातार कर रहा है, वो भी इसके अंदर नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ नीचे के दो बटन चल रहे हैं इस एमुलेटर में। मैंने कॉन्फिगर भी करके देख लिया इसका कंट्रोलर, लेकिन तब भी नहीं हुआ। और इसके बॉक्स में से ये वाला रिमोट निकला था, ये भी सेल से चलता, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल ए बैटरी डालनी पड़ेगी। और ये रिमोट आता है इसके एंड्रॉइड सिस्टम को चलाने के लिए, इसका एंड्रॉइड सिस्टम डायरेक्टली बूट नहीं होता, ये पहले गेम मोड पे जाएगा, उसके अंदर जाके हमारे को इसको रीबूट करना पड़ता है एंड्रॉइड की तरफ। और ये वाला जो इसका एंड्रॉइड सिस्टम है, पूरा ऑफिशियल एंड्रॉइड इन्होंने डाल रखा है, एंड्रॉइड 9.0 हमारे को इसके अंदर मिल जाता है। और ये आता है सिंगल बैंड वाईफाई के साथ, यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे इसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, और जैसे कि एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, हमने इसके ऊपर डोंगल के थ्रू एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट करा, यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर भी आ जाता है और यहाँ पे टाइपिंग भी आराम से कर सकता है, वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो लगाना हो तो इस पे। और यहाँ पे यूआई कुछ ऐसा मिल जाता है, गूगल प्ले स्टोर हमारे को मिलेगा, और यहाँ पे प्ले स्टोर में हमारे को सारी की सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। और इसका यूआई भाई बहुत लैगी है, यहाँ पे प्ले स्टोर लोड हो रहा है और यहाँ पे स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, अटक जा रहा बीच बीच में। और यहाँ पे इसकी इंटरनल स्टोरेज हमारे को 12 GB मिल जाती है, और रैम का कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है 1 GB रैम ही होगी जिस हिसाब से इसका यूआई काम कर रहा है। यहाँ पे यूट्यूब मिल जाता है, एप्स मिल जाएंगी, फाइल मैनेजर, और वो ही एंड्रॉइड सिस्टम है। और अगर इसके फाइल मैनेजर के अंदर आप जाते हो ना, तो यहाँ पे सारे गेम ये दिखा देगा, जो रोम्स की बात मैं कर रहा था ना, जो इसके सारे के सारे यहाँ पे इम्युलेटर्स दिखा रहा है, उसके अंदर इसके रोम पड़े हुए हैं। और ये जितने भी रोम्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जी ड्राइव का, आप आराम से इम्युलेटर वगैरह अपने पीसी में, लैपटॉप में, फोन में डाल के गेम लोड कर लेना, बढ़िया चलेंगे। और जिसको नहीं पता इम्युलेटर क्या होता है तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, बहुत सारी वीडियोस है। और यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा था, इसके साइड में ब्लैक बॉर्डर से दिखाई दे रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन एग्जैक्ट 4K नहीं है और ये 1080p भी नहीं है, पता नहीं कौन सा रेजोल्यूशन पे चल रहा है, चाइनीज आइटम, चाइनीज रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे इसके अंदर हमने यूट्यूब वगैरह चला के देखा था, ठीक ठाक वीडियो दिखा देता है, और इसके ना नेटवर्क कनेक्टिविटी भी ऐसी खास नहीं है, बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में यूट्यूब पे। और एक बार तो हमने इसकी यूट्यूब पे सर्च करा, पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो गया, वो सर्च ही करता रह गया, सिस्टम चला ही नहीं उसके बाद। और इसका जो एंड्रॉइड है ना, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लैग होता है, चलता नहीं है। तो अगर आपको मन है ना OTT देखने का, यूट्यूब देखने का, इसका एंड्रॉइड सिस्टम चला गया तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये बिल्कुल खत्म डिवाइस है, सिर्फ गेमिंग के लिए ही है ये। तो भाई आगे पूरे मजे गेम वूम देख के एकदम 90s, 80s, 20s वाली वाइब लेके। तो भाई अगर आपको ऑन द गो गेमिंग करनी है, अपनी बचपन वाली यादों को एकदम से करना है, क्या GTA 5 कुछ नहीं भाई साहब, असली मजा मारियो में ही है, तो ये वाला कंसोल आप बाय कर सकते हो, वरना इम्युलेटर के थ्रू भी चल जाता है, बट इम्युलेटर के थ्रू चलाने में थोड़ा सा मतलब टेकी वाला दिमाग चाहिए। तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चेकआउट करना वहां चेकआउट कर लेना, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर सकते हो और पहली बार आया तो सब्सक्राइब, और ऐसे कुछ आइडिया हो कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम और वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।